वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का कक्षा एक के हिंदी के इस पठन पाठन सत्र में स्वागत है। तो बच्चों, हम अपने पाठ पुस्तक की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों का ध्यान आज के विचार की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। आपकी सबसे अच्छी शिक्षा आपकी सबसे अच्छी शिक्षक आपकी खुद की गलतियां हैं। क्या है? आपकी सबसे अच्छी शिक्षक आपकी खुद की गलतियां हैं। इंसान जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है। क्या करता है? बहुत सारी गलतियां करता है, पर हमें उन गलतियों को भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारी गलती करते हैं, फिर भी हमें उन गलतियों को भूलना नहीं चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम कब कौन सी गलती किए हैं, बल्कि उससे हमें सीख लेनी चाहिए। उस गलती को हम याद रखेंगे, उससे हम भविष्य में सीख लेंगे कि फलना टाइम में हम क्या गलती किए थे, उससे हमें ये सीख लेना चाहिए, ताकि हम आगे जीवन में वह गलती ना कर सकें, ना दोहराएं। गलतियां ही हमारी सबसे अच्छी शिक्षक होती है। गलतियां ही हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होती है, क्योंकि हमें गलतियों से ही पता चलता है कि हम सही हैं या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। हम गलती करेंगे उससे ही सीखेंगे। गलती नहीं करेंगे, अच्छी बात है, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है, गलती होती है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए, जिससे हमें आगे बढ़ने में सहूलियत हो, सहायता मिले। तो अब हम अपने पाठ पुस्तक की ओर आते हैं, जिसका शीर्षक है वीर बालक। वीर बालक मतलब बिना डरा हुआ बालक, किसी चीज़ का उसे डर नहीं है। और पाठ संख्या 20। इस पाठ के अंदर में, वीर बालक के अंदर में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिसके अर्थ को हम लोग पहले समझ लें। पहला है तपोवन। तपोवन मतलब जहाँ तप किया जाए। ऋषि मुनि जिस जंगल में बैठकर तपस्या करते हैं, आराधना में लगे रहते हैं, उसे कहते हैं तपोवन। उस टाइप का जंगल जहाँ ऋषि मुनि तप करते हैं। दूसरा है गर्व। गर्व मतलब घमंड। किसी चीज़ का घमंड हो जाना, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है वो हो, इस चीज़ का किसी किसी व्यक्ति को घमंड हो जाती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। कुटिया। कुटिया मतलब घास फूस का बना घर। फूस से बना हुआ घर को हम लोग कुटिया कहते हैं। जंगल में तपोवन में जाएंगे हम लोग, तो वहाँ ऋषि मुनि का जो घर होता है, घास फूस से बना होता है। तपस्या। ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, उसे तपस्या कहते हैं, तप कहते हैं। उसके बाद है वीर। वीर मतलब बहादुर। वीर मतलब बहादुर। प्रतापी। प्रतापी मतलब वीर। प्रतापी मतलब वीर। वीर बालक इसका शीर्षक है। इस कहानी से, वीर बालक शीर्षक से ही पता चलता है कि इसमें वीर बालक की कहानी है। तो यह कहानी है वीर बालक भरत की। तो पहले मैं आप लोगों को दो चार लाइन भरत के बारे में चर्चा कर दूं, बता दूं कि भरत कैसे व्यक्ति थे। तो भरत के बारे में आप लोग भी जानते ही होंगे, तो मैं दो चार लाइन आप लोगों को बता देती हूँ। तो बच्चों, भरत प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। चक्रवर्ती राजा
सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। भरत के बल के बारे में, उनकी ताकत के बारे में चारों दिशाओं में फैला जा, उनकी ताकत चारों दिशाओं में फैली हुई थी कि भरत के अंदर कितनी ताकत है, उनके ताकत को सब जान रहे थे। बालकाल में ही, बालकाल मतलब बचपन के समय में ही, जब वो बहुत छोटे थे तो वन में खेलने जाते थे, खेलने जाते थे तो जितने भी जानवर थे उसको वो क्या करते थे, पकड़कर किसी पेड़ पौधे पर बांध देते थे या उसकी उसके ऊपर बैठकर उसकी सवारी करने लगते थे। भरत इतने ताकतवर, बिना डरे हुए वीर बालक थे कि वो शेर को भी पकड़ लेते थे, शेर से भी नहीं डरते थे। तो कहानी शुरू होती है वीर बालक भरत की, और कहाँ से शुरू होती है, तपोवन से, एक जंगल से। तो उस जंगल में कुछ बालक खेल रहे थे, तभी एक ओर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। तो सभी बालक डरकर, जैसे ही शेर की आवाज़ आई है तो कोई भी डर जाता है, हम सभी डर जाते हैं, शेर को देखकर ही डर जाते हैं। तो शेर की दहाड़ने की जब आवाज़ आई तो सारे बालक डर गए और अपने अपने कुटिया की तरफ दौड़े, परंतु वहाँ एक बालक खड़ा रहा, बिना डरे हुए खड़ा रहा, और उनके साथ में जो भी बालक खेल रहे थे सब दौड़ते हुए अपने कुटिया की तरफ जा रहे थे और उसको, उस बालक को बोल रहे थे कि भाग जाओ, शेर आ जाएगी जंगल में। परंतु वह बालक भागा नहीं और वहीं पर खड़ा रहा। बच्चे चिल्लाते रहे कि शेर तुम्हें खा जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं डरा और वहीं पर डटा रहा और बोला कि हमारे तपोवन में वह शेर नहीं आ सकता है। इतने में बोलते ही कि मेरे तपोवन में ये शेर नहीं आ सकता है, इतने में शेर के सामने में बालक के सामने में शेर आ गया और शेर भी आंखें घुमाई, पूंछ घुमाई, गर्दन को हिलाई, लेकिन फिर भी भरत नहीं डरे, वो बालक जो थे भरत नहीं डरे। शेर भी खूब ज़ोर से दहाड़ा और भरत भी ज़ोर से चिल्लाए, चुप हो जाओ, ऋषि मारीच तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, चुप हो जाओ, तुम आवाज़ मत निकालो। शेर फिर दहाड़ा, फिर बालक उसे क्या करते हैं, बालक के मना करने के बावजूद भी शेर फिर दहाड़ने लगा। बस जैसे ही शेर दहाड़ा उसका मुंह खुला और बालक क्या किए, उसके मुंह को, उसके जबड़ा को दोनों हाथ से पकड़ लिए, पकड़ कर वहीं खड़ा रहे। शेर क्या हुआ, चुप हो गया। जैसे वो मुंह खुला, बालक भरत उसके मुंह को पकड़ लिए, बस उसकी आवाज़ बंद हो गई, वो भी वहीं चुपचाप डर से खड़ा रहा और वीर बालक भरत उसके जबड़े को, ऊपर नीचे जबड़े को पकड़े हुए खड़े रहे। तभी भरत की माँ आ जाती है शकुंतला, और वो ज़ोर से डर गई कि मेरा बच्चा शेर को पकड़े हुए है, कोई भी माँ डर जाएगी, शेर के सामने उनका बच्चा रहेगा तो। शकुंतला भी माता डर गई और वो बोलती है, भरत शेर को छोड़ दो, वो तुम्हें खा जाएगा, क्या कर रहे हो, शेर को छोड़ दो। भरत भी हंसते हुए कहते हैं, माँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका तो मैं दांत गिन रहा हूँ। तो समझिए बच्चों कि भरत कितने साहसी थे कि शेर से भी नहीं डरे, माँ के कहने के बावजूद भी उन्होंने शेर को नहीं कुछ छोड़ा और हंसकर कहते हैं कि मैं तो शेर का दांत गिन रहा हूँ। तो यह कहानी वीर प्रताप, एक प्रतापी वीर भरत की थी, जिनका नाम पूरे देश में फैला हुआ था और भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी भरत के जैसे वीर, निडर और बलवान बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, भरत के जैसे वीर और निडर रहकर सारे काम को करना चाहिए। तो इस प्रकार आप वीर बालक कहानी भी समझ लिए होंगे और इससे संबंधित
प्रश्न उत्तर मैं आपको असाइनमेंट के द्वारा दूंगी। धन्यवाद।